नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटो हब में। तो गाइस, आज हम करेंगे फुल कंपैरिजन बिटवीन द ऑल न्यू मारुति अर्टिगा ZXi वर्सेस द ऑल न्यू किया कैरेंस प्रेस्टीज पेट्रोल मॉडल। दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के प्राइस भाई काफ़ी अच्छे हैं, अगर सेवन सीटर के प्राइसेस को हम लोग देखते हुए। एक तरफ आपको भाई किया की कैरेंस प्रेस्टीज वेरिएंट में पड़ जाती है 10,70,000 रुपये एक्स शोरूम, और वहीं अर्टिगा का ZXi वेरिएंट पड़ता है 10,59,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भाई फुल कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों ही गाड़ियों का विद ऑल न्यू लेटेस्ट प्राइसेस, ऑल फीचर्स, इंटीरियर एक्सटीरियर, माइलेज और लेटेस्ट वेटिंग पीरियड, जो कि भाई आपको किया कैरेंस में भी इस बार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो भाई, कौन सी गाड़ी आपको यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड की जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। होपफुली आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आए, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पीएस मोटो। दोस्तों, बिना किसी देरी के भाई दोनों ही गाड़ियों को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। भाई, बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रही है। किया कैरेंस सच में जब से आई है ओवरऑल बहुत ही अच्छी खासी बुकिंग्स है इस गाड़ी की, नो डाउट। और वेटिंग पीरियड तो भाई अर्टिगा के बराबर इस गाड़ी का पहुंच गया है, अगर इसके हम बेस वेरिएंट्स की स्पेशली बात करें। बाकी अर्टिगा के CNG वेरिएंट्स में तो काफ़ी अच्छी वेटिंग है, बट पेट्रोल वेरिएंट्स आपको काफ़ी अच्छे कम वेटिंग पीरियड में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के भाई सबसे पहले फीचर्स को जान लेते हैं और वैल्यू फॉर मनी गाड़ी की हम लोग पूरी पूरी यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, रिप्लाई करने की पूरी पूरी यहाँ पे कोशिश की जाएगी। और बिना किसी देरी के सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं द ऑल न्यू मारुति अर्टिगा ZXi 2022 वेरिएंट की। दोस्तों, इस बार जो है मारुति अर्टिगा में काफ़ी अच्छा प्राइस हाइक यहाँ पे देखने को मिला है, बट अपडेटेड फीचर्स की भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बातें हैं, बिकॉज इसमें आपको अब की बार टच स्क्रीन प्रोवाइड किया गया है। और अब इसका अगर ऑन रोड प्राइस अगर आपको इस गाड़ी का बताएं तो भाई 12,35,000 रुपये की आपको अर्टिगा पड़ जाती है, अगर हम ZXi वेरिएंट की बात करें। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको एक तो हेडलैम्प्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, अगर पॉजिटिव फीचर्स की बात करें, जो कि किया कैरेंस में आपको यहाँ पे हेलोजन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसी जगह अर्टिगा में आपको प्रॉपर यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स अलॉन्ग विद फ्रंट फॉग लाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही बढ़िया R15 प्रोफाइल का यहाँ पे आपको अलॉय देखने को मिल जाता है, जबकि भाई किया कैरेंस के प्रेस्टीज वेरिएंट में आपको अलॉय नहीं प्रोवाइड होता है, केवल प्रेस्टीज प्लस लाइनअप से वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर डायमेंशंस की बात करें तो गाड़ी का डायमेंशन काफ़ी अच्छा है, किया कैरेंस से गाड़ी लगभग थोड़ी बहुत ही छोटी बैठेगी, बिकॉज 150 mm की हाइट यहाँ पे कम है। ग्राउंड क्लियरेंस भी किया कैरेंस से कम ही है, बिकॉज 180 mm का है और उसमें आपको 195 mm का मिल जाता है। व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी व्हील बेस पे भी कमी बैठती है, 2740 mm है, जबकि भाई 2780 आपको किया कैरेंस में देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई साहब, जो इंटीरियर की फिट एंड फिनिश है इस गाड़ी की भी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको प्रॉपर यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है। और आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे तो अपहोल्स्ट्री नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग वॉल्यूम्स वगैरह आपको सब दिए जाते हैं इन द ऑल न्यू अर्टिगा। और अंदर की बात करें तो भाई न्यूली इंट्रोड्यूस टच स्क्रीन आपका ZXi वेरिएंट का ये रहा। अब अगर सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा जो है स्पेस देखने को मिल जाता है, बट किया कैरेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलेगा अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो। इस गाड़ी में आपको 2-3 प्लस फीचर्स और मिल जाते हैं, जैसे अगर हम आपको बताएं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और आपका यहाँ पे रियर वाइपर डिफॉगर वगैरह। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो, तो स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब थर्ड रो की स्पेस की बात कर लें तो थर्ड रो में एंट्रेंस कुछ ऐसा है भाई साहब, किया कैरेंस में थर्ड रो का एंट्रेंस काफ़ी अच्छा बनाया गया है, नो डाउट। वहाँ पे आपको वन टच बटन से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है जो कि, तो उधर आप एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में केवल आपको सेकंड रो पर ही एसी वेंट देखने को मिलेगा, थर्ड रो के लिए सेपरेट एसी वेंट नहीं आता है, जबकि किया कैरेंस में आपको जो है सेकंड और थर्ड रो के लिए सेपरेट एडजस्टर्स के साथ आपको एसी मिल जाते हैं, प्लस आपको वहाँ पे स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है अगर हम किया कैरेंस की बात करें तो। तो बाकी यहाँ पे एक सिंगल रूफ लाइट आपको पीछे साइड दी गई है। अब बात करें बैक प्रोफाइल की और बूट को ओपन करके देखते हैं, तो भाई बूट खोलने के बाद जो स्पेस है यहाँ पे आपको 209 लीटर्स का देखने को मिल जाता है, जो कि भाई ठीक ठाक सा स्पेस है। किया कैरेंस में आपको 216 लीटर्स का देखने को मिलता है, तो हमारे हिसाब से बूट स्पेस से यहाँ पे कोई भी बहुत ही ज़्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं है। और भी हम लोग बात कर लेते तो नीचे साइड आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है सेम R15 प्रोफाइल का, और अगर हम इसकी थर्ड रो को डाउन कर दें तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे हमें दिख जाता है। ओवरऑल लुक वाइज, फीचर्स वाइज थोड़ी बहुत ये वैल्यू फॉर मनी हमें ज़रूर दिखती है, लेकिन अब हम लोग किया कैरेंस के भी फीचर्स को प्रॉपरली यहाँ पे जान लेते हैं, तभी हम लोग अपना फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे देखेंगे। बाकी आपने फीचर्स इस गाड़ी के पूरे देख लिए होंगे,
पावर की बात करें तो 101 bhp की पावर 136 nm का टॉर्क है, जबकि भाई किया करेंस में आपको 113 bhp की पावर और 144 nm का टॉर्क इन द 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है। तो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी की अभी पूरी पूरी हम लोग बातचीत करने वाले हैं जब हम लोग किया करेंस की तरफ चलेंगे भाई साहब। तो गाइज ये है द ऑल न्यू किया करेंस का आपका प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट फ्लिपकी के साथ। सबसे पहले आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा, सबसे पहले तो एंट्रेंस ही देखने को मिल जाता है। गाड़ी का फ्रंट काफ़ी अच्छा है नो डाउट, और गाड़ी में आपको भाई काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कमियाँ भी हम आपको इस वीडियो में पूरी पूरी बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले भाई गाड़ी की ओवरऑल लुक देख लीजिए। किया करेंस जो है अर्टिगा से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर एंड इम्प्रेसिव लगती है इन कंपेरिजन टू अर्टिगा। बाकी यहाँ पे व्हील्स जो है R15 प्रोफाइल का आपको मिल जाता है। टॉप एंड वेरिएंट्स में अगर जाएंगे तो भाई R16 आता है अगर हम प्रेस्टीज प्लस की बात करें अलॉयज के साथ। लेकिन भाई साहब साइड प्रोफाइल, ओवरऑल लेंथ और विड्थ सारी चीज़ों में भाई गाड़ी कहीं गुना ज़्यादा आगे है इन कंपेरिजन टू अर्टिगा। और बूट स्पेस की बात करें तो 216 लीटर्स का बूट स्पेस है। थर्ड रो की जो स्पेस है किया करेंस की काफ़ी अच्छी है इन कंपैरिजन टू अर्टिगा, ये चीज़ तो हमने काफ़ी ज़्यादा नोटिस करी है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर नो डाउट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, बट कुछ मिसिंग फीचर्स भी हैं जो कि भाई आपको अर्टिगा ZXi में ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बट किया करेंस के प्रेस्टीज वेरियंट को देखते हुए इसमें भी आपको जो जो फीचर्स देखने को मिलते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, वो भी हम आपको भाई पूरे पूरे बताने वाले हैं। सबसे पहले डोर्स पे अगर आप फिनिश देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है नो डाउट। यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट आ जाती है, हालांकि ये तो अर्टिगा की ZXi में भी आती है, लेकिन आपको जो इंटीरियर का फिट एंड फिनिश है काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आपको सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। MID भी पूरा का पूरा भाई न्यू है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम पूरी पूरी बात करें तो भाई 6 एयरबैग्स, ABCDBD, आपका रियर कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और भी चीज़ें हैं आपकी भाई रोबस्ट के 10 सेफ्टी पैकेज के साथ आ जाती है। तो भाई अगर किसी को एक सेफ़ गाड़ी चाहिए तो हमारी तरफ से किया करेंस का ये वाला वेरिएंट काफ़ी अच्छा है, बिकॉज 12.5 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाती है द ऑल न्यू किया करेंस की। बाकी भाई सेकंड रो में जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि ऑटोमेटिक एसी आपको इस वेरिएंट में नहीं आता है, लेकिन भाई जितने भी फीचर्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हमें साबित होते हैं। माइलेज की अगर बात करें तो भाई किया करेंस का माइलेज अराउंड 15 का है अगर सिटी में बात करें पेट्रोल वेरिएंट्स में, हालांकि अर्टिगा में आपको एवरेज ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, करीब 20 का है अगर ARAI के कंपैरिजन से हम लोग आपको बताएं तो। और थर्ड रो का स्पेस आप देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा है नो डाउट। तो ओवरऑल सच में किया करेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी बैठ जाती है। अगर हम ओवरऑल बिल्ड की बात करें तो अर्टिगा से काफ़ी अच्छा है, फीचर्स की बात करें तो थोड़ा बहुत पीछे रह जाती है अलॉयज वगैरह के मामले में, और भी 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको एक बहुत ही रिलायबल और एक सेफ कार चाहिए तो हमारी सब तरफ से अर्टिगा से अच्छा है किया करेंस का प्रेस्टीज 1.5 लीटर का पेट्रोल वेरिएंट 12.5 लाख रुपये मिल जाता है। लेकिन इस गाड़ी में वेटिंग आपको भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी देखने को मिलती है, क्योंकि भाई बेस वेरिएंट की जो वेटिंग है करीब करीब 1 साल की पहुँच चुकी है। सो गाइज अगर आप फाइनल बात करें कि भाई कौन सी गाड़ी यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बैठती है, तो भाई अगर आप बहुत ही ज़्यादा मारुति के लवर हैं और अर्टिगा पे आपको ज़्यादा भरोसा है तो आप अर्टिगा का ZXi वेरिएंट बाय कर सकते हैं। लेकिन भाई इस गाड़ी को अगर बाय करें तो केवल CNG में बाय करें, वरना अगर पेट्रोल वेरिएंट्स की तरफ आप जा रहे हैं तो हमारी तरफ से किया करेंस का प्रेस्टीज वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आपको टच स्क्रीन एंड ऑल द फीचर्स काफ़ी अच्छे एक तो प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए और अब यहीं पर एंड कर लेते हैं। तो अपने जो है विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भाई आप किया करेंस का बेस मॉडल लेना चाहते हैं या अर्टिगा का ZXi वेरिएंट लेके थोड़े बहुत फीचर्स को आप जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। होपफुली आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल PS मोटो। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।